हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। आज फ्रेंड्स मैं आपके सामने जिस प्लांट को लेकर के आई हूँ वो है मेरा ये बहुत ही पसंदीदा प्लांट है, वो है एंथुरियम। ये थोड़ा सा रेयर प्लांट है, किसी किसी नर्सरी पे नहीं भी मिलता है और थोड़ा सा कॉस्टली भी आता है, पर ये है बहुत ही खूबसूरत। तो अपने घर में इसको लगाइए और फूलों की कमी को आप दूर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये इंडोर प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। बेसिकली ये जो है प्लांट जो है रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, इसीलिए आप ये देखिए इसकी लीव्स की बनावट देखिए। इसकी जो लीव्स हैं वो इस तरह से हैं, कितनी ग्लॉसी लीव्स है ये देखिए आप, बहुत ही ग्लॉसी लीव्स हैं इसकी। और ये जो इसकी बनावट है उस तरह से बना हुआ है शेप इसका कि जब भी बारिश हो तो वो पानी इसमें से नीचे बह करके और निकल जाए और ठहरे नहीं पत्तियों पर, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट का प्लांट है और ये उन्हीं जगह पर बहुत अच्छे से उगता है जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है और जो है हमेशा मॉइस्चर बना रहता है, तो इसलिए इस प्लांट को मॉइस्चर बहुत ज्यादा पसंद है। ये जो प्लांट है इसको आप ऐसी जगह पर रखें जहां पे आसपास जो एरिया हो वहां पे काफी सारे प्लांट हो, उनके बीच में आप इसको रखें, और नहीं तो फिर आप इसको ऐसी जगह रखिए जहां पे आप अगर मॉइस्चर नहीं मिल रहा है इसको तो आप सुबह शाम इसको मिस्टिंग करिए। इसको जो है पानी का स्प्रे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मॉइस्चर को बहुत पसंद करता है। वैसे ज्यादातर प्लांट जितने भी होते हैं वो सभी मॉइस्चर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसी तरह से ये भी एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है। ये देखिए आप, ये वाला एक मेरा एक और है, ये वाला ये भी बहुत सुंदर है। ये देखिए आप कितना खूबसूरत प्लांट है। ये वाला जो है, ये जो मेरा प्लांट है इसके अंदर रेड चिली शेड में जो है फ्लावर्स आते हैं। अभी इसमें है नहीं एक भी फ्लावर, नहीं तो मैं आपको दिखाती इसका फ्लावर। इसका जो है रेड चिली चिली शेड का जो फ्लावर आता है, और ये जो है इस वाले का जो है ये पीच शेड है इसका। ये देखिए आप, ये इसका फ्लावर जो है पीच शेड का है। इसमें जो फ्लावर आते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए आप, ये थोड़ा सा अलग टाइप का फ्लावर है इसका। ये एक्चुअली क्या होता है कि ये फ्लावर तो केवल एक ये वाला पार्ट है इसका। अब क्योंकि ये जो फ्लावर का जो ये पार्ट है ये कोई अट्रैक्टिव है नहीं, तो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स वगैरह को या बटरफ्लाई वगैरह को कुछ अट्रैक्टिव फ्लावर होने चाहिए। उसके लिए क्या आता है कि इसकी जो लीफ होती है उसका कलर इस तरह से हो जाता है। ये जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है इसका नाम है स्पेड। तो ये जो कलरफुल हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि ये पॉलिनेशन इसमें आराम से हो जाता है और अट्रैक्ट हो जाते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, वरना क्या होता है कि ये क्योंकि ये अट्रैक्टिव नहीं है पार्ट बस। तो इसका जो फ्लावर होता है वो उसी तरह का होता है। लगभग इसका जो फ्लावर है वो हमारा जो पीस लिली होता है ऑलमोस्ट इसका और उसका फ्लावर एक जैसा ही होता है। उसमें भी उसी तरह से होता है, लेकिन उसमें जो स्पेड होता है वो इस तरह से फैला हुआ नहीं होता। ये उसमें जो स्पेड होता है वो इसके ऊपर होता है, इसको ऐसे कवर किए हुए। तो मैं उस पर भी वीडियो बना के बताऊंगी आपको कि वो भी बहुत अच्छा प्लांट होता है, उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो आज हम बात कर लेते हैं एंथुरियम के बारे में। एक तो पहली बात तो ये कि ये जो प्लांट है एंथुरियम, ये जो है थोड़ा सा पॉइजनस होता है। तो आप इसको जो है अपने बच्चों से या अपने घर में कोई पेट्स वगैरह हैं तो आप उनसे थोड़ा सा इसको दूर करके रखिए। ये एंथुरियम प्लांट जो है इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो ये मेरा पीच शेड है। इसमें और भी कलर आते हैं, इसमें जो ऑफ वाइट भी आता है, इसमें एक डार्क मैरून कलर का भी आता है, वो भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये भी बहुत अच्छा है, पीच शेड का फ्लावर है इसके अंदर। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं इसकी लाइट की बात करती हूँ आपको। इसको जो है डायरेक्ट सनलाइट में आप कभी भी मत रखिए बिल्कुल भी। इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है प्लांट को, तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए बिल्कुल भी। आप इसको ऐसी जगह रखिए जहां पे इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे, इनडायरेक्ट लाइट मिलती रहे, या फिर किसी ऐसी जगह रखिए अगर कोई बड़ा पेड़ आगे लगा हुआ है तो उसके पीछे से जब धूप छन छन के आती है तो वो इसको बहुत पसंद होती है। आप ऐसी जगह पर रखिए, और ऐसी विंडो के पास भी मत रखिए जहां पे बहुत तेज ठंडी हवा, जिस तरह से अभी आज सर्दियों का सीजन है ठंडी हवा आए तो वो भी इसको पसंद नहीं आएगा। तो ऐसी जगह पर आप इसको रखिए। और लाइट के अलावा अगर मैं इसमें पानी की बात कर लूँ तो इसको वैसे तो मॉइस्चर बहुत पसंद है, पर लेकिन आप इसको पानी आप ज्यादा मत दीजिए, इसको ज्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप पानी जब ही दें इसमें जब आपको इसकी ऐसा लगे कि इसके ऊपर की जो मिट्टी है वो जो है ऊपर से ड्राई हो जाए। ये देखिए आप इस तरह से, जब आपको लगे कि ये मिट्टी ऊपर से ड्राई हो रही है
तब आप इसमें थोड़ा सा हाफ जो अपनी फिंगर है इसमें मिट्टी में डाल के देख लीजिए, अगर मिट्टी आपको अंदर मॉइस्चर लग रहा है तो पानी मत दीजिए। अभी तो वैसे भी सर्दी के दिन हैं तो अभी हाल तो कम से कम ये है कि 3-4 दिन तक इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, एक बार डाल देंगे आप तो पानी आप जो है जब ही दीजिए जब ऊपर की मिट्टी इसकी सूख जाए। ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी मिट्टी सौगी हो जाएगी और इसकी रूट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। इसमें जनरल समस्या यही होती है, रूट रॉटिंग की समस्या जो होती है, क्योंकि पानी हम ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हैं और वो जो है मिट्टी इसकी जो है गीली रहती है सारे दिन और रूट्स गल जाती हैं। तो पानी आपको केवल ऐसे ही डालना है इसमें जब मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं ये बात करूँ कि इसके अंदर जो है आप मिट्टी इसकी कैसे तैयार करेंगे, ये देखिए मेरा दूसरा वाला जो है कितनी ग्लॉसी लीव्स हैं इसकी, ये देखिए आप बहुत प्यारा है। तो अगर मैं इसकी मिट्टी की बात करूँ तो इसकी फ्रेंड्स मैंने मिट्टी इसकी अलग टाइप से बनाई है। ये देखिए ये नया लीफ आई है इसके अंदर अभी यार, कितनी ग्लॉसी है ये, बहुत ही प्यारी है। तो अब मैं मिट्टी की इसकी बात कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो मिट्टी इसकी जो है मैंने जो तैयार करी है उस मिट्टी के लिए मैंने इसमें जो है अपने गार्डन सॉइल जो लिए वो मैंने बहुत ही ज़रा सी लिए इसके अंदर, नाम मात्र को ही लिए, बिल्कुल आप ना भी कह सकते हैं, मैं तो कभी कभी इसमें नहीं भी डालती हूँ। ये वाला जो है इसमें तो मैंने बिल्कुल भी मिट्टी नहीं डाली है, इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है। तो वैसे अगर आप बिना मिट्टी के बनाना चाहें तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको, मैंने उस तरह से भी बनाया है। तो मैंने इसमें क्या किया है कि 3 पार्ट तो मैंने इसमें कोकोपीट मिलाई है और 1 पार्ट मैंने इसमें परलाइट मिलाया है और 1 पार्ट मैंने इसमें वर्मिकुलाइट डाला है। तो इस तरह से मैंने इसकी सॉइल तैयार करी है, ये देखिए आप इसमें, तो ये इस तरह से मैंने इसमें वर्मिकुलाइट और कोकोपीट और परलाइट का मिक्सचर मिलाया है और 1 पार्ट मैंने इसमें कंपोस्ट मिलाई है, वो मैंने डाली है इसमें पत्ती की खाद। तो इस तरह से अगर आप इसमें जो सॉइल का मिक्सचर बनाएंगे तो आप बहुत अच्छा सा आपका प्लांट ग्रो करेगा। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप इसकी सॉइल तैयार करिए और जब आप इसको नर्सरी से लेके आए तो आप इसके अंदर जो है आते ही इसमें थोड़ा सा, जब आप एकदम से रिपोर्ट मत करिए और 3-4 दिन बाद जब आप रिपोर्ट करें तो आधी चम्मच इसमें एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए। उससे क्या होता है कि प्लांट को शॉक नहीं लगता है और वो जो है एडजस्ट कर लेता है आपके घर के एनवायरनमेंट को। और जब आप इसको रिपॉटिंग करेंगे तो एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी इसमें समझाना चाहती हूँ आपको, वो बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए जब आप इसको रिपॉट करें तो आप इसको इतना पार्ट इसमें मिट्टी के ऊपर इसको रखिए, इसको बिल्कुल मिट्टी के अंदर दबा के नहीं लगाया जाता। अगर थोड़ी सी इसकी रूट्स इस तरह से बाहर निकल भी रही हैं तो कोई ज़रूरत, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इसी तरह से लगाया जाता है कि ये मिट्टी से थोड़ा सा बाहर रहता है। ये देखिए आप इस तरह से, तो इसको मिट्टी से थोड़ा सा बाहर लगा के रखिए आप इसको, ये देखिए इसमें से रूट्स बाहर आ रही हैं, इसकी निकल रही हैं, इसको पूरा अंदर तक नहीं दबाया जाता है मिट्टी के अंदर। और पेस्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें पेस्ट ज़्यादातर वो जो है कुछ खास अटैक करते नहीं है, इसके अंदर जो है कैटरपिलर ज़रूर अटैक कर लेते हैं और वो लीव्स को जो है बीच में से खा जाते हैं। ये देखिए आप, मैं आपको बताती हूँ इस तरह से, ये देखिए आप इस तरह से लीव्स को खा जाते हैं। तो कैटरपिलर को तो हम मैन्युअली भी हटा सकते हैं, कोई उसमें कुछ आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं, या फिर मकड़ी वगैरह इसमें जाले लगा लेती हैं तो वो आप ऐसे ही मैन्युअली उनको साफ़ कर दीजिए। तो उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ इसमें प्रोपोगेशन की, इसके तो प्रोपोगेशन इसका बहुत ही आसान है, इसका प्रोपोगेशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सिंगोनियम में होता है, उसी तरह से इसका प्रोपोगेशन होता है जैसे मैंने स्पाइडर प्लांट में भी बताया है, इसका प्रोपोगेशन उसी तरह से होता है। इसकी जो रूट्स हैं इसके जो प्लांट में जो नीचे से ये बेबी प्लांट आ रहे हैं बहुत सारे, आप ये देखिए इतना छोटा सा प्लांट है मेरा, ये देखिए इतनी छोटी सी मटकी में लगा हुआ है ये, और उसमें भी इसमें इतने सारे प्लांट आ रहे हैं। तो आप इनको इसमें से यहाँ से इस तरह से अलग अलग करके इनके और 2-3 प्लांट बना सकते हैं। जिस दिन मैं इसको प्रोपोगेट करूँगी, अभी थोड़ा सर्दियों का सीज़न है, उसके बाद जब मैं प्रोपोगेट करूँगी तो इसमें वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी इसका। ये इस तरह से आप इसको अलग अलग करके रूट्स को और प्लांट को अलग अलग डिवाइड करके इसमें आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये देखिए आप इस तरह से मैंने इसके बारे में आपको मेरे ख्याल से सारी जानकारी दे दी है। ये बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है, ये देखिए आप मैंने इसको इस तरह से इतने प्यारे उसमें लगाया हुआ है, सेरेमिक पॉट्स में लगाया हुआ है, ये देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत प्यारा प्लांट है। तो आप इसको लेके आइए अपने घर में लगाइए और अपने इसको आप बालकनी में लगा सकते हैं,
इंडोर में भी रख सकते हैं, जहाँ हल्की हल्की लाइट आ रही है वहाँ भी आप इसको रख सकते हैं, बस इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही ग्लॉसी लीव्स हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें नए नए वीडियोस बनाने की इच्छा होती है। और अगर आपको मेरे वीडियोस का अपडेट चाहिए, जैसे ही मैं वीडियो डालूं और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और एक और बहुत खूबसूरत प्लांट को लेके आऊंगी मैं आपके सामने।